चित्रादास वाणी पलटू साहेब जी की संतोष का गुरु जो दिया है सोई तू ले रहूं, गुरु जो दिया है सोई तू ले रहूं, उसी में बहुत विश्वास करना। हे परम संत सदगुरु, पलटू साहेब जी की वाणी है। पलटू साहेब जी विश्वास के अंग पे वाणी लिखी है। कहते हैं भक्ति का मुख्य अंग विश्वास। जैसे एक बिल्डिंग का मेन जो है फाउंडेशन होता है, अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग टिकेगी, और फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग भी ज्यादा दिन नहीं टिकती। तो ऐसे ही भक्ति का जो फाउंडेशन और मुख्य अंग वो विश्वास है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। तो वही आप कहते हैं जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं धन दौलत का लाभ मिलेगा, व्यापार चलेगा, बीमारियां दूर हो जाएगी, या तो और कोई तकलीफ दूर हो जाएगी, इसके लिए नहीं। सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे पीछे लगी है भव रोग की, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। जब से ये दुनिया बनी है ये जीव के पीछे पड़ी है बीमारी, और इस भव रोग के बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं कि फिर इस जन्म मरण के चक्कर में ना आवे। और गुरु क्या करता है, वो हमें इसी की दवा देता है, भव सागर से पार होने की। एक जगह पे कबीर साहब ने भी कहा है, सत नाम निज औषधि सतगुरु दई बताए, औषध खाए और पथ रहे ताको वेद न जाए। सतगुरु ने सतनाम की औषधि है। कहते हैं जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, भजन स्मरण करते हैं, यानी औषध खाते हैं ताको वेद न जाए, कहते उनका ये तकलीफ दूर हो जाती है। कौन सी तकलीफ? जो सबसे बड़ी बीमारी हमारे पीछे पड़ी है, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, इसी को भव रोग कहते हैं। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु हमें नाम से जोड़ता है, शब्द से जोड़ता है। तो कहते हैं इसीलिए गुरु जो दिया है सोई तू लिए रहे, उसी में बहुत विश्वास करना। पलटू साहब कहते हैं भाई गुरु ने जो भी दिया है तुम उसमें विश्वास करो, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलो, सवेरे उठ के भजन स्मरण करो, और ज्यादा टाइम भी नहीं। कहते हैं कि 24 घंटे का दसवां हिस्सा, अढ़ाई घंटा सवेरे उठ के मालिक के याद में अपने आत्मा के उद्धार के लिए अढ़ाई घंटा टाइम दो, 21.5 घंटा दुनिया में कारोबार करो, कोई फर्क नहीं। लेकिन 2.5 घंटा अपने आत्मा के उद्धार के लिए, इस भव सागर से छुटकारा पाने के लिए समय दो। तो कहते हैं अगर हम विश्वास करके उस पर अमल करेंगे तो जरूर छुटकारा मिलेगा। कहते हैं कि जो जो भी लोगों ने उस पर विश्वास किया चले, वो पार हो गए, और भी जो चलेंगे वो जरूर पार होंगे। लेकिन बात विश्वास की है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि भजन स्मरण करना, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार बनाए रखना, क्योंकि अगर अपना कोई हितैषी है, सच्चा दोस्त है, मित्र है, वो कौन है?
सतगुरु है, क्योंकि गुरु जिस दिन से नामदान देता है उसी दिन से हमारी आत्मा का पल्ला पकड़ता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उस मालिक के सतपुरुष की गोद में पहुंचा नहीं देता। हम नाम लेके गुरु को भी छोड़ जाएं, लेकिन गुरु हमें नहीं छोड़ता। वो नाम का बीज कभी नाश नहीं होता। तो कहते जो हमारा वो इतना सोचता है हमारे बारे में, जो हमारे इतना उपकार करता है कि नामदान देने के दिन बड़े बड़े कर्म नरकों में ले जाने वाले अपने ऊपर लेता है और जाके कहते हैं वो मानसरोवर में धो डालता है। वो कर्म बड़े बड़े खत्म हो गए और छोटे बड़े भी अगर हम भजन स्मरण करें तो वो भी काटते जाते हैं। तो कहते उसे हमें शरीर पे भुगतने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहते हम यहाँ भी सुखी रहते हैं भजन स्मरण करें तो। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने पाणी में कहा है, भजन कर मगन रहो मन में, भजन करके इस दुनिया में आनंद में रहो, सुखी से रहो, सुख शांति भजन में। कहते हैं कि भजन नहीं करेंगे तो हमारे कर्म ऐसे कैसे पड़े रह जाएंगे और वो कर्म फिर हमें बीमारी के रूप में, नुकसान के रूप में, तकलीफ के रूप में उसका हिसाब चुकाना पड़ता है, तब तो हमें जरूर दर्द होता है। इसीलिए महात्मा कहते भाई अगर गुरु का हुक्म मानेंगे, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार बनाए रखेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। महात्मा नहीं कहते भाई दुनिया भी कारोबार छोड़ दो, वो तो कहते भाई दुनिया में रहो, व्यापार बिजनेस नौकरी खेती जो करते हो करो, लेकिन सवेरे उठ के थोड़ा टाइम अपने आत्मा के उद्धार के लिए दो, बस इतना ही। ज्यादा महात्मा नहीं मांगते, 24 घंटे ध्यान में बैठो ऐसे तो नहीं करते, सवेरे थोड़े टाइम, थोड़ा टाइम भी भजन स्मरण करेंगे तो हमारी तवज्जो गुरु की तरफ होती, गुरु की तवज्जो हमारी तरफ होती है और वहां उनकी रक्षा मिलते रहते हैं। अगर नहीं करेंगे हमारी तवज्जो गुरु से दूर हो जाएगी, गुरु की तवज्जो हमारे से भी दूर हो जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है। एक बार हम बेंगलुरु के आगे मैसूर ये लोग टूरिस्ट बस किए हुए थे कुछ धार्मिक स्थान देखने के लिए और वहां पे एक महात्मा से मिलना था। वो बम्बम स्वामी बोल के थे, हमारे आंध्र प्रदेश में बहुत प्रचार है, तो उनके शिष्य लोग ज्यादा थे तो उसमें हमारा दो टिकट था, ये बहुत पहले की बात है। आज से करीब 30 साल पहले की बात है, जबकि हम नया नया उधर आश्रम बना रहे थे तो हम भी उसमें दो टिकट था, तो गए मैसूर, देखा ये देखा वो देखा, बाद में वो महात्मा के आश्रम पे गए, रात को उधर ही रहे, मेन तो वही कारण था। और फिर वहां से नाश्ता वास्ता करके सब निकले आगे जाने के लिए। वो बस टूरिस्ट बस बहुत स्पीड जा रही थी और सिंगल रोड था, दोनों तरफ नाले और बिजली के पोल थे खंबे, और ये 100-110 जा रहा है स्पीड, खाली रोड है सवेरे गांव का रोड। अब ये क्या हो गया, उसका स्टीयरिंग रॉड कट हो गया, गाड़ी 100 पे है। जब स्टीयरिंग रॉड कट हो गया तो आगे का चाक घूमना ही घूमना है और आगे का चाक किस तरह हो गया। अब सब वो लोग क्या किए, वो जो बम्बम स्वामी शिष्य लोग थे वो लोग भजन करते बैठे थे, माने भजन को गाने को ही भजन बोलते, वो लोग ढक्की ताल लेके अपना सारा दिन वो भजन ही करते थे। जब ऐसा हुआ कि वो लोग भजन वजन छोड़ के चिल्लाने लगे, ऐसा अब गाड़ी उछल रही है,
लेकिन गाड़ी रोड छोड़ के नीचे नहीं गई, यानी जिस तरह आगे का चाक होता है गाड़ी उधर ही जाएगी, राड कट हो गया स्टेरिंग राड और चाक ऐसे हो गया, लेकिन गाड़ी ऐसे ही जा रही है, उसका दोनों टायर पूरा खिस गया, करीब यहां से 2 फरलांग तक स्पीड में थी गाड़ी, ब्रेक मारते मारते वहां इतना आवाज हुआ कि आधा किलोमीटर दूर गांव से सब भाग के आ गए, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन गाड़ी रोड छोड़ के नहीं गई थी, रोड पूरा काला हो गया, टायर आगे का दोनों घिस गया। देखो गुरु की कृपा, क्योंकि हम लोग सुमरण करते हुए बैठे थे, फिर भी गुरु ने रक्षा की, और बाद में वो गाड़ी रिपेयर करने तक उनको शाम हो गया, 11 बजे गाड़ी बिगड़ी थी, शाम 5:30 बज गए, दूसरे गांव से टायर लेके आना पड़ा, टायर चेंज करना पड़ा, स्टेरिंग राड दूसरा डालना पड़ा, बहुत देख करके 5:30 बज गए, और वहां हम लोग नारियल खरीद के नारियल पानी पी के बैठे थे। तो कहते हैं कि इस तरह से अगर हम सुमरण से जुड़े हैं तो वहां गुरु की रक्षा होती है, जब सुमरण है तो गुरु है, या तो गुरु का ध्यान है तो भी गुरु है, तो कहते वहां तुरंत रक्षा हो जाती है, फायदा माने नुकसान क्या है, हम बस में जा रहे हैं कार में जा रहे हैं, जब खाली बैठे हैं सुमरण करते जा रहे हैं तो यहाँ पाप भी करते जाते हैं, रक्षा भी होते रहती है, गुरु की कृपा हमारे कर्म भी करते जाते हैं, फायदा ही फायदा है, लेकिन मन धोखा देता है, वो सुमरण से जुड़ने नहीं देता है, वो दुनिया का सुमरण से जोड़ेगा लेकिन नाम सुमरण नहीं करने देता। तो कहते हैं कि हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने मन की निगरानी करनी चाहिए, मन इस समय क्या कर रहा है, उसको लाकर सुमरण से जोड़ना। तो कहते इस तरह से करेंगे तो जरूर कहते हैं कि हम इस जिंदगी में भी सुखी रहेंगे, मरते समय में भी वही गुरु आएगा ऊपर के मंडल में ले जाएगा और वहां भी हमारे साथ होगा। कहते हैं सतलोक सचखंड तक वो हमारा पल्ला नहीं छोड़ता। तो कहते कौन है ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र और ऐसा हितैषी, केवल गुरु। तो क्यों ना हम उसके चरणों से जुड़े रहें, हम उनसे प्रेम प्यार करें जो अपना है, जो अपने बारे में सोचता है, और बाकी जितना भी रिश्ता है। कहते हैं स्वार्थ के सब बंधु जगत में सुत दारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत। कहते बाकी सब स्वार्थ का रिश्ता है, 4 दिन का कर्मों का रिश्ता है, शरीर से है कर्म से है आत्मा से नहीं है, आत्मा का रिश्ता गुरु और परमात्मा से है। कहते हैं इसीलिए हमें दुनियादारी करनी है, दुनिया भी कारोबार करना है, ये हमारा पिछले कर्मों का लेन देन का हिसाब किताब है, इसी तरह से कर्म चुकाना है, लेकिन दुनिया का बन के नहीं गुरु का बन के, जब से गुरु के पास जाते हो गुरु का बन के, आप गुरु का बन के दुनिया भी कारोबार करो, आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा, तो देखो आप यहां भी सुखी रहेंगे और मरते समय भी वही गुरु और नाम आएंगे ऊपर ले जाएंगे, और वहां भी आप सुखी रहेंगे, आपको यह लोक और परलोक दोनों सुख मिलेगा। तो वही पंडित साहब जी कहते हैं गुरु जो दिया है सोई तू लिए रहो, और उसी में बहुत विश्वास करना। जी होएगा बहुत फिर शब्द जो लगेगा, होएगा बहुत फिर शब्द जो लगेगा, चीत को चेत के जान धरना। तो वही पंडित साहब कहते हैं कि वही जब आप सुमरण करते 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 आपके पाप कट जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा और रूहानी सफर स्टार्ट होगा,
लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा हमारा रूहानी सफर स्टार्ट नहीं होगा। और मन को निर्मल करने के लिए संतों ने सुमरण का तरीका दिया है, नाम सुमरण। तो कहते इस तरह से जब दसवें में आ जाएंगे, गुरु प्रकट हो जाएगा, गुरु की कृपा से ज्योति और अनादनाद प्रकट हो जाएगा, तब कहते हैं हम तब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। चिंता किससे है? मन से। और जो मन आज रात दिन दुनिया के चिंतन से जुड़ा है, दुनिया का रूप बना है, जब वो शब्द प्रकट हो जाता है, मन दुनिया को छोड़ देता है, जाके शब्द से जुड़ जाता है, शब्द में समाता है, और जिस और शब्द को छोड़ के मन दुनिया आना ही नहीं चाहता। मन को सोझी हो जाती है, अरे मैं तो ब्रह्म से आया हूं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं शरीर नहीं। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं। ये सारा झमेला, सारा ये संसार मन से चल रहा है। मनोमय जगत्ता, मन का एक काल्पनिक रूप ही संसार है। और जहां मन नहीं, कल्पना नहीं, संसार नहीं, तो मन जाके सबसे जुड़ जाता है। उसको अपने आप का सोची ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म से आया हूं, मुझे अपने घर जाना है, और दुनिया छोड़ देता है। तो जहां मन नहीं, आशा और तृष्णा नहीं, तब इसको जाके सच्चा सुख और शांति अंदर मिल जाते हैं। कहते हैं ऑटोमेटिक मिल जाती है, तब तो आपको कोई चिंता की जरूरत ही कहा है, क्योंकि मन नहीं, चिंता नहीं। तो वही आप इशारा करते हैं कि भाई जब सत्य प्रकट हो जाएगा तो आपका मन आपके बस में आ जाएगा, तो और बहुत कुछ आपको अंदर मिल जाएगा। जो आपके पिता ने आपके अंदर रखी है वो चीजें आपको हासिल हो जाएंगी, आप धन्य हो जाएंगे, आपकी सारी आशा तृष्णा आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि इस तरह से उसी के ऊपर विश्वास करके जो गुरु ने आपको सुमरण दिया है, सुमरण करो। सुमरण सबसे बड़ी चीज है, इसलिए बार बार स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, गुरु कहे पुकार पुकार समझ मन कर ले सुमर लिया। हे मन अच्छी तरह से विचार करके तो सुमरण कर ले, क्योंकि सुमरण के बगैर हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का सुमरण करके हम दुनिया में फंसे हुए हैं, हमारा मन बाहर मुख हो गया है। अब पांच नाम का सुमरण करके इसको अंदर लेके आना है, दुनिया से निकालना है। तो इसलिए पांच नाम का सुमरण बहुत जरूरी है। तो इसलिए संत सुमरण के लिए बार बार तो ही एक ही बात दोहराते हैं कि हमें सुमरण की आदत पड़ जाए और हम देखेंगे हमारे को शांति मिलना चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर शांति आने लगेगी। जैसे जैसे हम सुमरण करेंगे पाप कटेंगे, पाप कटेंगे मन निर्मल होएगा, हमें अंदर शांति मिलेगी। जी जी। चतुर जो होएगा करेगा कसब को, चतुर जो होएगा करेगा कसब को, बूंद ही बूंद समुद्र वरना। तो वही कहते हैं चतुर जो होएगा करेगा कसब को, माने अगर तुम होशियार होगे तो जरूर काम करोगे, सुमरण ध्यान करोगे, और सुमरण ध्यान करोगे कामयाबी हासिल होगी। कहते बूंद ही बूंद समुद्र भरना, थोड़ा 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 आपके कहते हैं सुमरण रूपी धन आपके अंदर जमा होते जाएंगे, और एक दिन आपके पाप सब कट जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे, टाइम लगता है, क्योंकि एक अभ्यासी के रास्ते में कहते हैं कि तीन चार मार्ग हैं। पहले पिपिल का मार्ग है,
हमारा जो चेतन पैर के तलों और हाथों से निकल के ये नौ दरवाजे छोड़ के दसवें में आने तक पिपिल का मार्ग कहते हैं, पिपिल का बोलते हैं चींटी का मार्ग। बहुत धीरे 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 ये चढ़ाई होती है। तो कहते हैं कि जैसे एक चींटी कहीं पेड़ पे फल पका हुआ है, चींटी चित्त ज्ञानी होती है, उसको पता चल जाता है कि पेड़ फल पका है और वो पेड़ पे चढ़ना चाहती है, हवा का झोंका लगता है गिर पड़ती है, फिर भी प्रयत्न नहीं छोड़ती है, फिर भी चढ़ती है, फिर हवा का झोंका लगता है गिर जाती है। एक दिन हो जाए, दो दिन हो जाए, लेकिन चींटी प्रयत्नशील होती है, छोड़ती नहीं। भरे दो दिन तीन दिन लग जाए और वहां तक पहुंचती जरूर है। तो कहते हैं कि ये चींटी का मारक है, पैर के तलों से लेकर दोनों आंखों के बीच तक बहुत टाइम लग जाता है। हम क्या करते हैं, अपने ख्याल को स्थिर करके प्रेम प्यार से सुमरण ध्यान करते हैं और अच्छी तरह से सुमरण ध्यान चलने लगता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पैर में झुनझुनी चालू होती है। खाली एक पैर सुन हो जाए, एक हाथ सुन हो जाए तो वो कोई चढ़ाई नहीं है। दोनों हाथ के दसों उंगली, पैर के दसों उंगली से ही चेतन पर चढ़ाई करते थे, चारों एक ही टाइम में चालू होता है, सुन होने लगे, ऊपर चढ़ाई करते हैं। जैसे मरने के समय में हालत होती है, एक अभ्यासी की अभ्यास में वही हालत होती है। तो दो हाथ दो पैर से एक ही दफा चेतन ऊपर चढ़ाई करना, वो चढ़ाई है। नहीं तो बैठे बैठे खून नाड़ी दब जाती है, एक पैर सुन हो गया, एक हाथ सुन हो गया, वो कोई चढ़ाई नहीं है। अगर चारों सुन होता है तो ठीक है। तो कहते इस तरह से थोड़ा सा प्रेम प्यार से दोनों आंखों के बीच में अब ना गुरु का ध्यान करते हुए स्मरण करते हैं तो कुछ प्रयत्न से धीरे धीरे चढ़ाई करते हैं। कोई बाहरी ख्यालात मन में आया कि रू गिर जाते हैं, फिर हम प्रयत्न करते हैं प्रेम प्यार से मन को सुमरण और ध्यान से जोड़ के, फिर थोड़ा धीरे धीरे चढ़ाई चालू होती है। फिर कोई दुनियावी ख्याल आ गए मन में, संकल्प आया कि गिर जाते हैं। इस तरह से ये छह चक्कर पार करके सातवें में आने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। इसको पिपिल का मार्ग कहते हैं, चींटी का मार्ग कहते हैं, स्लो। और बाद में जब यहाँ रू आ जाती है, गुरु प्रकट हो जाता है, सब प्रकट हो जाता है, तब आगे क्या है, मीन मार्ग, मछली का मार्ग। तो मछली जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा हो और मछली उस पानी की धार को पकड़ के बड़े वेग से पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, और कोई बड़ी बरसात गिर रही हो तो छोटी छोटी मछलियां उस धार को पकड़ के आकाश की तरफ चढ़ जाती है और जाके जगह जगह हवा से गिरते रहते हैं। और कहते हैं रोड पे जगह जगह से गिरते रहते, मछली के अंदर वो होता है, धार मिल गया ना पानी का तो पकड़ के बड़े ब्रेक से चढ़ती है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है आत्मा का, मन का। तो मीन मार्ग है जो दोनों आंखों के बीच से कहते हैं कि पार ब्रह्म तक, मीन मार्ग मछली का मार्ग, और पार ब्रह्म से सतलोक तक मकड़ी का मार्ग है। मकड़ी क्या करता है, अपने मुंह से आप ही धागा निकाल के उस पे दौड़ता है। वो कितना बारीक धागा होता है और उस पे आराम से दौड़ता है सारा दिन। तो कहते हैं कि अपने आत्मा में 12 सूर्य का प्रकाश चमकने लगता है पार ब्रह्म में जाके, तो रू जरूर अपने प्रकाश में जाती है, लेकिन आगे महाशून्य में जाके इसके 12 सूर्य के प्रकाश वहां एक दीवा के बराबर भी नहीं होते। गुरु अपने प्रकाश में लेके जाता है आगे।
तो कहते हैं कि इस तरह से वो मकड़ी का मारक माने इस आत्मा में बल आ जाती है, ताकत आ जाती है, वो अपने आधार पे काम करें। और सतलोक सचखंड जाके फिर विहंग मारक पक्षी का मारक, सतलोक जब रूप पहुंच गए तो पक्षी का मारक। पक्षी कैसे, आम पका है, एक सेकंड नीचे से उड़ के आम के पास बैठ गया और वहां से उतरा तो फिर जमीन पे आ गया। तो पक्षी ऐसे हमारी आत्मा की स्पीड बढ़ जाती है। संतों का शब्द मार्ग है, उसी को कहा है ना, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सदगुरु दैतारी। संतों का शब्द विहंगम, शब्द मार्ग, शुद्ध शब्द कहते वो पक्षी का मार्ग, स्पीड बढ़ जाती है। तो वही आप कहते हैं इस तरह से ये नौ दरवाजे छोड़ के दसवें में आने तक बड़ा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा दुनिया दुनिया के सामान में उलझ गई है। जैसे एक रेशमी कपड़ा, रेशमी साल बेर के पेड़ पे गिर गई, बेर के उल्टे कांटे होते हैं, फंस गई, अगर हम खींचेंगे साल पड़ जाएगा। अब क्या करना है उसको, एक एक कांटे से, एक एक कांटे से निकालना पड़ता है, तब तो साल जैसे का तैसा निकलेंगे, खींचेंगे तो फट जाएगा। कहते ऐसे ही हमारा मन ये दुनिया दुनिया के वस्तु का रूप हो चुका है, ये हमारा मन जो है ये दुनिया दुनिया के बैर के कांटे में पड़ा है, सब वस्तु का रूप दिमाग में, सब चिंतन भरा है। अब उससे निकालने के लिए सुमरन कर करके, सुमरन ध्यान करके, सुमरन ध्यान करके एक एक कांटे से निकाल, धीरे धीरे जैसे कि तैसे निकल आता है, लेकिन टाइम लगता है। तो कहते भाई प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सबके कर्म एक जैसे नहीं होते हैं, कर्म अलग अलग होते हैं और उसी के हिसाब से उनकी तरक्की होती है, इसका कोई समय सीमा नहीं है। ये तो अपने अपने प्रेम विश्वास और लगन के ऊपर है। रात दिन मालिक के भजन सुमरन से लग के भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि मैं बताता हूं हमारे कर्नाटक में एक महात्मा हो गए तो बहुत गरीब थे, चूड़ी बेचा करते थे, और ये कोई कहानी नहीं, बीती हुई वाक्या है, आज से है 70-80 साल पीछे बीती हुई वाक्या है। कर्नाटक में जहां हमारा आश्रम है ना, बगल में उनका आश्रम है, कई बार नारायण दाता बोलते उनको। तो वो बहुत गरीब चूड़ी बेचता था, तो एक दिन चूड़ी बेच के लेके, पहले जमानों में क्या था, पैसा तो कोई मिलता नहीं था, अनाज देते थे, चूड़ी पहनाने वाले को अनाज देते थे, तो एक तरफ चूड़ी का गट्ठर, एक तरफ अनाज का गट्ठर लेके आ रहे थे। और रास्ते में एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे, साधु। तो भक्त को देख के खुशी होती है, तो इन्होंने सोचा कोई महात्मा बैठा है, क्यों ना दो चार मालिक की चर्चा करें, गए नमस्कार की और आपस में दोनों में चर्चा हुई, ये प्रश्न पूछते हो जवाब देते हैं महात्मा, तो इनको तसल्ली आई। और तसल्ली आने के बाद कहते महाराज हमें उपदेश दोगे, कहते हाँ, बस तुरंत उसे पेड़ के नीचे उपदेश दे दिए। इतना बोलते उपदेश देने से इनको शंका हो गई, अरे क्या अभी इतना जल्दी कुछ पूछे भी नहीं और बोलते उपदेश दे दिए, तो उनको शंका हो गया। तो नारायण दाता पूछते उस साधु से कि महाराज आपने नाम उपदेश तो दे दिया और वो नाम हमारे अंदर प्रकट हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने इधर उधर देखा, साधु ने, एक इतना सफेद पत्थर था, सफेद पत्थर, और वो उठा के इनके हाथ में रख दिया, ये मुंह में लेके तो हमारा मंत्र जाप करते बैठ जाओ, मुंह में रख के।
अब जब ये पत्थर मिस्री बन जाएगा, तुम्हारा मुंह मीठा होगा तो सोचना हमारा मंत्र प्रकट हो गया है। ये बोले भले आदमी भक्त, देखना है, देखो देखना है ये पत्थर का मिस्री बनता। और आगे पीछे नहीं देखा, वो चूड़ी का थैली और अनाज का थैली पेड़ के नीचे रख दिया और गांव की तरफ जाने के बजाय उल्टा 3-4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी थी जहां कोई जाते नहीं थे, जीते रहते थे। वहां एक गुफा थी और एक छोटा सा मंदिर था, जीते बाहर गए थे शिकार के लिए कि जाके उसकी गुफा में बैठ गए ध्यान और रटन करते लगे, देखना है ये पत्थर कब मिस्री बनता है। उनको पता नहीं 2-4 दिन में तो होने वाला नहीं, लेकिन उनका ख्याल देखो, देखना है बैठ गए। ये नहीं सोचा नाश्ता कौन देगा, खाना कौन देगा और बाकी सब क्या, कुछ नहीं, देखना है, बैठ गए, सुमरन करने लगे, जप करते हुए बैठ गए। तो ऐसा एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तो कहते वो मालिक जिसकी याद में हम बैठे हैं वो कभी उपवास नहीं रखता। अगर सच्ची लगन है, मालिक से मिलने की तड़प है, तो कहते वो सबके अंदर बैठा है, वो कोई ना कोई जो है तरीके से हमें जरूर कुछ देता है। तो बच्चों ने देखा है, गाय चराने वाले बच्चे, अरे यहाँ कोई बुजुर्ग बैठे हैं, तो वो एक लोटा दूध लाके गुफा के सामने रख के पत्थर ढक के चला जाता था बच्चा। और एक कभी जब 12-1 बजे उठते दोपहर को पेशाब वसाब के लिए बाहर आते थे तो देखते दूध पी के लोटा वहीं रख के ऊपर पत्थर रख के चले जाते। शाम को जाने के समय बच्चे लोटा उठा ले जाते। ऐसा देखो रात दिन सुमरन सुमरन सुमरन, खाली एक लोटा दूध और एक दो दिन में 3 साल बैठे बैठे रह गए 3 साल। तो कहते प्रयत्न 3 साल बैठे रहे रात दिन, खाली निपटने के लिए बाहर जाते थे खाली एक लोटा दूध पी के। 3 साल में उनके सारे पाप कट गए रात दिन सुमरन करने से, मन निर्मल हो गया और उनकी रूह चढ़ाई कर गई, उनकी तीसरी आंख खुल गई। अनहद नाथ प्रकट हो गया, ज्योति प्रकट हो गई। तो जो मुंह में पत्थर रख के बैठे तो मिस्री बन गया, अब वो पत्थर गलने लग गया, वो मीठा होने लग गया। तो दादा को बड़ा सब खुशी हुई, बाहर आके सोचते कि पत्थर मीठा क्या, दूसरा पत्थर भी मीठा होता है क्या, वो भी उठा के मुंह में रखते हैं, जो भी अपने हाथ से लेके मुंह में रखते हैं सब मिस्री बनते जाते हैं। देखो नाम का प्रभाव। तो बाद में वो बच्चे देखे जो दूध लेके आते थे, 2-4 बच्चे आते थे खाली, दूसरा कोई नहीं आता था। तो लोग ने देखा क्या दादा मुंह में पत्थर डाल रहे, तो वो भी भाग के गए ऊपर। तो उनको भी जो भी पत्थर उठा के देते थे वो सब मिस्री बनते जाता था। आज वहां उनकी गुफा में वो मिस्री का ही प्रसाद मिलता। तो देखो नारायण ताता से, ताता कहते बुजुर्ग को, योगी योगी राज हो गए, आज बड़ी महिमा है वहां पे उनके। आज वहां पे हजारों लोगों को वहां भोजन मिलता है। कहते हैं कि आज वहां पे सब कुछ भंडारा भी चलता है, सब कुछ होते रहता है। तो कहते भाई देखो भजन खाली 3 साल के अंदर रात दिन रटन करने से कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो कहते भाई जब करेंगे सच्चा विश्वास श्रद्धा लेके कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन मन धोखा देता है, मन मालिक का नाम सुमरन नहीं करने देता है,
झूठे दुनिया के सुमरन से लगा देते हैं। कहते हैं कि हमारा इतना अमूल समय बर्बाद हो जाता है, अंत समय पश्चाताप। कहते हैं जब दुनिया दुनिया का सामान शरीर छोड़ने के समय साथ नहीं देती है तो पश्चाताप ही होता है। इसलिए पलटू साहब जी कहते भाई धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा हरिद्वावे फल होए। अब माली चाहे कि ज्यादा से ज्यादा पानी खाद देते हैं, फल जल्दी आ जाए तो आएगा, फल फल तो अपने समय पे ही आएगा। तो कहते भाई इसी तरह से कामयाबी समय पे ही मिलती है। तो कहते हैं कि धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सजा, अभ्यास करते करते एक जड़ जीव ज्ञानी हो जाता है, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है, बिगड़ करे नहीं। हम तो क्या करते हैं, सब गुरु के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन हम दुनिया के कारोबार तो गुरु के ऊपर नहीं डालते हैं, खाली भजन बंदे गुरु के ऊपर डालते हैं। हम भी कितने चलाक हैं, क्यों हम सोचते हैं कि भाई दुनिया भी कारोबार में हम नहीं करेंगे तो नहीं होएगा, खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसके बारे में गुरु के ऊपर नहीं छोड़ते। वो तो सवेरे उठते ही भागते हैं चाय पीके अपने अपने कारोबार में ड्यूटी पे, लेकिन भजन बनने के लिए क्या करते हैं, अरे भाई गुरु कृपा करे तो होवे, गुरु दया करे तो हो, इंसान के बस की बात नहीं। कहते नहीं भाई, इंसान के बस की बात है, सब मानव शरीर धारी को अधिकार है मालिक से मिलने का, इससे बड़ा परमात्मा का तोहफा और कुछ नहीं है। अब तो प्रयत्न का बात है, प्रयत्न परमात्मा ने सबको अपने से मिलने का अधिकार दिया है, मानव शरीर धारी को। ऐसा बात नहीं कि उनको ही दिया था हमें नहीं, सब मिल सकते हैं, लेकिन करना पड़ता है। तो कहते हैं कि बगैर किए, अब महात्माओं का ही जीवन चरित्र पढ़ के देखो, उन्होंने कितना तकलीफ उठाया, रात रात भर जागा है, उस मालिक के लिए रोया, तब जाके उसको पाया। कहते हैं ना, खाए पी हंस खेल के पिया मिले तो कौन दुहागन होए। हंस खेल और खा पी के परमात्मा मिलना होता तो महात्माओं को इतना तकलीफ उठाने की क्या पड़ी है। आज महात्माओं का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, उन्होंने क्या क्या नहीं किया मालिक को पाने के लिए, अपना सारा जिंदगी दाव पे लगा दिया। जयमल सिंह महाराज सबसे बड़ी तपस्या भरी जिंदगी थी, हालांकि मिलिट्री में रहते समय भी रात भर जागते थे, भजन करते थे। रिटायर होने के बाद जब वहां भेज दिए गए, ब्यास नदी के किनारे डेरा ही डाल के थे, जबकि राधा बाई ने बेबी रूपो को सेवा में भेजा था, लेकिन वो कहते थे नहीं बेबी तू भजन कर, और आप पेंशन के लिए जाते थे तो 5 किलो आटे का रोटी हलवाई से बनवा के लेके आते थे एक ही दिन में, और दो टोकरी में उसको बांध के ऊपर टांग देते थे, हवा लगे तो नहीं तो रोटी खराब हो जाती है। तो बेबी से कहते तू भजन कर, जब भूख लगे 2 रोटी नमक के पानी में भिगा देना, खा लेना, भजन कर। तो बताओ अब उनको साथ में सेवादार रह के क्या खाने पीने के लिए कमी थी, पेंशन मिलता था नौकरी वाले, लेकिन सारी जिंदगी तपस्या में उन्होंने अपना शरीर ही तपस्या में लगा दिया, और यहां तक कि निष्काम भक्ति। उन्होंने कहा मेरा फोटो भी कोई नहीं निकालना, श्राप दे दिया जो फोटो निकालेगा नरक में जाएगा।
शराब दे दी। तो एक भाई ने सोचा भले नरक में जाए जाने दो, थोड़ा महाराज का फोटो तो रहेगा। तो उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया फोटो निकालने के लिए, लेकिन फोटो आया ही नहीं। तो देखो कितना बड़ा त्याग, कितना करके भी अपना फोटो कहीं नहीं रहे, और अपने सारी कमाई साउंड से महाराज जी को दे। तो कितनी बड़ी तबीयत से आए। तो वही आप इशारा देते हैं कि महात्माओं का जीवन पढ़ के देखो, क्या उनके लिए खाट नहीं था, बिस्तर नहीं थे, खाने पीने का सामान नहीं था, सब कुछ मालिक ने दिया था, लेकिन नहीं, मालिक भजन। हालांकि परमात्मा से मिलके भी सारा रात दिन भजन करते थे, वो चैन से नहीं रहे। तो बताओ, हमें तो खाली दो ढाई घंटे के लिए कहा जाता है, फिर हम भी गुरु के ऊपर डाल देते हैं। गुरु दया करे तो महाराज कहते थे हमारी स्थिति ऐसे ही है जैसे द्रौपदी की। द्रौपदी क्या करती है, जबकि दुशासन उसका साड़ी हरण करता है, तो द्रौपदी एक हाथ से तो साड़ी पकड़ी है, एक हाथ से कृष्ण को बुला रहे भाई को कि भाई आ मेरी लाज बचा। जब एक हाथ पकड़ के रखा था कृष्ण नहीं आए, क्योंकि एक हाथ का आधार है वो बहादुर। वो खींचते खींचते जब साड़ी पूरा साड़ी खींच दिया, सब गांठी रह गई, अब सोचती है कि अब इज्जत जाएगी, दोनों हाथ उठाया तब भाई आ जा बोल के तुरंत कृपा आ गई, साड़ी आ गई। लेकिन जब तक एक हाथ उठाया था साड़ी नहीं आई थी। कहते हमारे भी यही हालत है, हम तो दुनिया को पकड़ के रखे भजन बंद की भक्ति के लिए, गुरु दया करे तो ऊपर हाथ उठाते हैं, अब गुरु कैसे सुनेगा, क्योंकि एक हाथ पकड़े हुए हैं। अगर दोनों हाथ उठा दो तो गुरु जरूर सुनेगा। दुनिया का कारोबार भी गुरु के ऊपर डाल दो, भक्ति भी गुरु के ऊपर डाल दो, गुरु को बन जाओ और जरूर सुनेगा। लेकिन एक तो पकड़ के बैठे कि हमारे किए बगैर होगा नहीं, और दूसरा हाथ ऊपर उठाते हैं गुरु की कृपा करेंगे दया करेंगे, ये सब मन के धोखे, मन धोखा देता है। नहीं भाई, कर्मी अपने आप को ही करना है। अब खाना खाना खाने के लिए बोले भाई गुरु बना के देगा तो ही खाएंगे, देखो बैठो दो चार दिन पेट मानता है। तो जब उसके बगैर नहीं चलता है, आप ही करते हो तो भजन के लिए क्यों ऐसा करते हो। कहते भाई भजन हमें ही करना है, अपना काम आपको ही करना है, तब गुरु की दया मिलेगी। गुरु तो दया प्रेम में करता है, भजन हम अपने आत्मिक उद्धार के लिए करते हैं, लेकिन वो दया दाता दया करता है, फिर भी दया करता है। तो कहते भाई इस तरह से हमें अपना भजन अभ्यास हमें आप ही करना है जी। दास पलटू कहे सिपत है सूरत की, दास पलटू कहे सिपत है सूरत की, और कोई क्या लम नहीं परना। तो वही दास पलटू साहब जी कहते हैं, दास पलटू कहे सिपत है सूरत की, और कोई ख्याल में नहीं पड़ना। क्या है, आपको अपने सूरत को नाम से जोड़ना, ये काम आपको ही करना है। भजन सुमरन आपको ही करना है, सूरत को मालिक के नाम से जोड़े रखना, मन को उस मालिक के नाम से जोड़ के रखना, और बाकी सब गुरु करेगा। कहते ये काम आपको करना है, मन के ख्याल में पड़ेंगे मन कभी भजन नहीं करने देगा, गुरु के कृपा का पात्र बनने नहीं देगा, ये हमें धोखा देता है। तो कहते भाई ये काम हमें ही करना है जी।
दास पलटू कहे सिफत है सूरत की, दास पलटू कहे सिफत है सूरत की, और कोई ख्याल में नहीं परना, संतोष के गरे से खाए गज पेट भरी, संतोष के गरे से खाए गज पेट भरी, स्वान ही कटूक को खेत की दावे। फिर वही आप इशारा देते हैं कि देखो संतोष के होने से खाए गज पेट भर, हाथी अपने मालिक के दरवाजे पे पता होता है, दोनों चारों पैर सरपणी से बांधे गए होते हैं, उसके पीछे के दोनों पैर बांध देते हैं, एक एक आगे का छोड़ देते, चैन से बंधा होता है, जबकि हाथी का पेट बड़ा होता है ना, उसको बहुत भोजन चाहिए, लेकिन उसके अंदर संतोष होता है, उसको अपने मालिक पे भरोसा होता है, मेरा मालिक मुझे जरूर देगा, और इसीलिए वो निश्चिंत रहता है और उसको टाइम टाइम भोजन मिलता है। लेकिन सियार, सियार कहते हैं ना कोल्हा माने सियार, उसके अंदर संतोष नहीं रहता है, उसका पेट इतना ही बड़ा होता है, रात भर कितना गांव गांव का चक्कर लगाता है बूढ़ मास्टर पेट के लिए, कहीं मुर्गी मिलेगा क्या, भेड़ बकरी मिलेगा क्या, जानवर मिलेगा, कोल्हा सियार उसको क्या बोलते हैं, सियार ही बोलते हैं, अब कितना गांव का चक्कर लगाता है रात को क्यों, उसको विश्वास नहीं होने से, तो बोलते भाई इस तरह से विश्वास बढ़ी, गुरु जरूर देगा, हमें करते रहना है, हमें उसके भरोसे पे रहना है, मन का नहीं कर सुनना है, मन धोखा देता है और हमें गुरु के प्रति अभाव लाता है, भक्ति करने से दूर करता है, हमें इसके चालाकियों से बचना चाहिए, अपने ख्याल को सुमरण से जोड़ के रखना चाहिए, जरूर गुरु कृपा करता है। तो वही कहते हैं हाथी बड़ा जानवर होता है, लेकिन एक संतोष अंदर होने से उसको बधे जगह पे ही पेड़ पर खाना मिलता है, ऐसे ही। और श्यार संतोष नहीं होने से रात भर चक्कर लगाता है, तो संतोष भक्ति में एक संतोष होने से, इसीलिए संत महात्मा क्या करते हैं, एक जगह रहते हैं, और संत तो इतना भी कहते हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना भला सतगुरु की अर्सी, कहते भाई किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अगर आपके अंदर मालिक से मिलने की सच्ची तड़प है, प्रेम प्यार है, विश्वास है, तो कहीं भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ या मंदिर में बैठ जाओ, देखो मालिक उपवास रखता है, भाई जब उपवास रखे तो मांगने को जाओ, कभी नहीं रखता है। मुलुकदास ने कहा है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक यों कहे सबको दाता राम। अजगर बहुत मोटा सांप होता है, 10 फीट ऊंचा चौड़ा होता है, 150-200 फीट लंबा होता है, उम्र में पहाड़ जैसे बड़ा होता है। अब बताओ कहीं मिल फैक्ट्री में तो नहीं जाता पेट भरने के लिए, नौकरी करने को, उसका इतना बड़ा पेट होता है, पड़ा रहता है पहाड़ जैसे, वो मालिक कितना दयाल है, बड़े जगह में भी उसका पेट भरता है। और पंछी सवेरे उपवास उठते हैं, उन्हें पता नहीं किस तरफ जाएंगे तो पेट भरेगा, जाते रहते हैं, वो मालिक कितना दयाल है, शाम होने से पहले जहां तहां सबको पेट भर चूंग दे के लेटाता है रात को। और कितने प्राणी ऐसे हैं जो दिन में छुपे होते हैं जमीन में गुफाओं में, और रात को अपने पेट की खातिर बाहर निकलते हैं, तो वो मालिक कितना दयाल है, उनको भी सवेरा होने के पहले जहां तहां पेट भर उनको भी खाना दे के वो लिटाता है।
दिन भर लेते हैं रात भर जागते हैं, तो कहते भाई सबको देने वाला वो मालिक है, ऊपर बैठा है। जब 84 लाख जीवा जो उनका पेट भर रहा है तो अपने भक्त को उपवास रखेगा। भाई क्यों मांगने को जाते कि उसके ऊपर भरोसा नहीं। अगर मालिक से ही मिलना है बैठो एक जगह उसकी याद में, देखो कभी कुछ कमी नहीं रखता है। जरूर एक बार मैंने सोचा देखेंगे। हमारे आंध्र प्रदेश में एनमल डंडी पहाड़ है, बड़ा ऊंचा है, उसके बगल में एक और तेनगल पहाड़ बहुत ऊंचा है, उसमें चढ़ने में 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। उस समय उम्र थी, मैं किंगेरी छोड़ के आया था भजन के लिए, बेंगलोर से भजन करने के लिए पहाड़ में आया था, जो पहाड़ में गुफाएं बहुत होती है ना, और बाबा जी का आश्रम एक है एनमल डंडी पहाड़ में, और उसके बगल में पहाड़ बड़ा है ना, वहां भी गुफा है ऊपर पानी का, और एक बावड़ी भी है, कोई योगी के समय का बनाया हुआ है, और एक मंदिर भी है ऊपर। तो जब मैं एनमल डंडी पहाड़ पे आया तो वहां के लोगों ने जवाब दे दिया, नहीं सेवा करके रहना है, भजन खाली भजन करने के लिए महाराज का हुक्म नहीं, बोल दिया। अब क्या कर, हम तो भजन करने के लिए आए, बोलते भजन करने का क्या नहीं। तो हमने क्या किया, वो पहाड़ पे देखे, बोल के वो पहाड़ पे चढ़ गए, 5-6 लोग गए, कुछ खाने का सामान लेके, और वह उस पहाड़ में भालू बहुत रहते हैं, जगह जगह गुफाएं हैं ना, बीच में चढ़ने की जगह पे ही बहुत भालू है, और जो 4 बजे शाम को ही उनको प्यास लगी होती बाहर निकलते हैं। तो हम लोग मिल के गए थे 5-6 लोगों पर, तो देखा तो हमारा मन जो है सोचता है, देखो मालिक ने इधर गुफा दिया है, मंदिर है, बावड़ी भी है, पानी बरसात का भरा होता है, स्टॉक पानी, और बहुत खोल है, बहुत गहरा है, तो वहां पे भालू और जानवर लोग पानी पीने के लिए आते हैं ऊपर, जब प्यास लगती है तो ऊपर ही आते हो। तो मैंने बोला बड़ा अच्छा जगह है यहाँ, कोई भजन करने वाला नहीं। तो वो लोग का ख्याल अलग था, वो लोग सब घूमने फिरने में थे, मैं सोच रहा था यहाँ भजन करने वाला नहीं। तो जब सवेरे गए थे जल्दी, तो जैसे ही 11 बजने लगा, कहते धूप ज्यादा होएगा, पत्थर गर्म होता है, चलो उतर जाएंगे, नहीं तो शाम को भालू बाहर आते हैं। तो हम बोला तुम लोग जाओ, मैं इधर ही भजन बैठता है। वो लोग कहते अरे यहाँ पे कोई चढ़ भी नहीं सकता, इतना दूर कोई आएगा भी नहीं, और यहाँ भालू लोग रहते हैं, पानी पीने को आते हैं, तुमको बैठा देख के हमला करेंगे। हम बोला उसका चिंता मत कर, तुम जाओ। तो वो लोग जल्दी जल्दी उतर के चले गए, 4-5 लोग, उसमें एक छोटा लड़का था 12-13 साल, वो दौड़ दौड़ के नीचे गया, पीछे से चढ़ के ऊपर वो पहाड़ पे गया, तो वहां वो सरणप्पा सरणप्पा करके सरणप्पा स्वामी करके गए, उनसे कहा राम से उतरे नहीं ऊपर बैठे हैं, कहते हमें ध्यान करना है, और मैं बैठा, ये लोग गए मैं बैठा था। वो मंदिर इतना गंदा कर देते थे भालू लोग, उसी में लेटिन बेटिन करके, बहुत दिन से कोई साफ सफाई नहीं, मैंने सब साफ सफाई की और एक किया, और फिर उधर ही वरंडा मंदिर के सामने जो वरंडा छोटा सा था ना, उसे बैठा था। तो बाद में उधर गए तो उधर सरणप्पा ने क्या किया, अरे वो ध्यान बैठा है, और जो पहाड़ के लोग हमको बैठने देना नहीं चाहते थे, तो उनके बेगर जानकारी के एक टोकरी में 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दाल, और थोड़ा नमक हल्दी, और थोड़ा थोड़ा माचिस, और 1-2 मट्टी का छोटा छोटा बर्तन एक टोकरी में रखे, और काफी पाउडर दिया, बोला जल्दी लेके जाओ देके आओ। मैं बैठा ही है, धीरे धीरे 3 बजने लगा था, वो लड़का भाग के आया, वो उम्र वाला था, चढ़ के आएगा पहाड़ी बच्चे लोग, तो कहते हैं सरणप्पा स्वामी ने भेजा है। तो मेरे आंख से आंसू गिरने लगे,
कि देखो मैं खाली ध्यान में बैठने के बारे में सोचा तो सब कुछ हाजिर हो गया। ओ मालिक कितना दयाल है, गुरु कितना दयाल है। और मैं काफी दिन वहां बैठा रहा, आग जला के ध्यान बैठते थे, रात को थोड़ा आग जला देते थे तो जानवर लोग पानी पी के चले जाते थे, शाम से चालू हो जाता था भालू लोगों का आने का, पानी पी के जाने का। लेकिन कोई ऊपर नहीं, कोई भजन करने वाले के ऊपर नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब कि देखो प्रत्यक्ष प्रमाण कि जब हम मालिक के याद में बैठने का ये करते हैं तो मालिक सब कुछ हाजिर हो जाता। तो हम क्या करते हैं, एक मुट्ठी खिचड़ी डालते थे, एक लाइन चावल दाल मिला के मट्टी के बर्तन में रख देने का, लकड़ी की तो ऊपर कोई कमी नहीं थी, खिचड़ी बन जाता था, एक टाइम खा के रात दिन बज जाते। तो कहते हैं कि इस तरह से मालिक कभी किसी को उपवास नहीं रखता है। हम क्यों मांगने को जाते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमें भरोसा नहीं। अगर भरोसा है तो आप कहीं भी बैठो उसकी याद में, वो कभी उपवास नहीं रखता है, वो कुल मालिक है। 84 लाख जीवा जून का पेट भरने वाला मालिक अपने भक्त को उपवास नहीं रखता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि एक हाथी के अंदर जो है संतोष की दरे से, संतोष होने से वो बधे स्थान पे उसको पेट भर खाना मिलता है, और एक कहते हैं सियार के अंदर संतोष नहीं होने से उसको रात भर कितने गांव मोड़ मोड़ मारना पड़ता है पेट के लिए। तो कहते हैं संतोष बड़ी चीज है। संत की व्रति अज दाह की चाहिए, संत की व्रति अज दाह की चाहिए, चले बिनु फिरे आर पावे। पंडू साहब कहते हैं संतों की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, अजदहा अजगर के जैसे। एक जगह बैठे उस मालिक की याद में रहे, सब कुछ हाजिर होता है। कहते बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। अगर आप मांगते हो तो कोई भिक्षा देने के लिए भी तैयार नहीं होता है, उदास दिल से कहते दुखी दिल से देते हैं। अगर आप ऐसे ही बैठो बगैर मांगे तो कहते हैं कि आपके पास सब कुछ हाजिर होते रहता है, अच्छी अच्छी चीजें आती है, कोई कमी नहीं रहती। तो कहते हैं क्यों भाई, जो कुछ अपने विधि विधान में लिखा वो अपने आप आता है, हम क्यों मांगने को जाए। खाली उसके ऊपर भरोसा करें, संतोष रखें, वो सब कुछ देता है, सबको अपने भाग्य अनुसार वो मालिक देता है। जैसे जैसे जिसके भाग्य प्रारब्ध में जो कुछ लिखा है सबको देता है, लेकिन उनके भाग्य भाग्य के अनुसार वो किसी को खाली नहीं रखता है। तो देखो कितने ऋषि मुनि महात्मा हिमालय की कंदराओं में है, गुफाओं में बैठे हैं, बताओ वहां कहां बाजार है और कहां वो नौकरी धंधा कर रहे हैं। खाली मालिक के ऊपर ही है ना, वो हमसे भी स्वस्थ होते हैं झाड़ वाला खा के। पेड़ पौधे माने के कहते हैं कल तो बोल खा के, झाड़ वाले के पत्ते खा के, जो कौला कौला पत्ते निकलते हैं ना उसे भी खा के कहते वो स्वस्थ रहते हैं। और आज भी कितने कितने बरस के महात्मा मिलेंगे। तो इसीलिए कहते भाई संतोष भक्ति का जो मेन अंग संतोष है, और विश्वास और संतोष। तो कहते हैं कि संतों की वृत्ति, साधु की वृत्ति कैसे होनी चाहिए, एक जगह पे रहे, मालिक को याद करता हुआ अपने आप आता है, जो कुछ आना है उसके विधि विधान में लिखा है अपने आप आता है। मांगने से देने वाले का दिल दुखता है। अगर कहते ना इसलिए बिना मांगे कोई लाख रुपए भी दे देगा
उसमें उसको कोई लगाव नहीं होता है, लेकिन मांगने से दो रुपए रुपया भी देने के लिए वो दुखी होता है क्योंकि ये हालत है और वो जो मांग के लेते हैं वो सब कर्जा होते जाता है, चाहे एक रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, और उसको इस जन्म में तो आगे जन्म में चुकाना पड़ता है कर्जा। इसीलिए संतों ने मांगना मना किया है, कहते मालिक की मौज में रहो, जैसे रखे वैसे राजी। रविदास ने सारी जिंदगी बूट बना के बेच के ही अपने कुटुंब का पालन किया, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। कबीर साहब ने रेशमी साड़ी बुन के बेच के ही अपना अपने कुटुंब का पालन किया, साधु संतों की सेवा की, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाया। तो संतों का वही है, वो अपने लिए कुछ न कुछ करके ही मालिक की भक्ति मालिक की याद में लगे रहते हैं, वो कभी दूसरे के ऊपर आधारित नहीं रहते। तो वही आप इशारा देते हैं कि साधु संतों की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, अजगर जैसे एक जगह रहे और मालिक का याद करें, मालिक का भजन सुमरण से जुड़ा हो। जी सियार को करते सज में, सियार को करते सज में, चार दस बीस कर मुड़ नावे। तो वही आप कहते हैं सिंह को आराम से आहार मिल जाता है, क्योंकि जब सिंह बाहर निकलता है उसको देख के जानवर सहमते हैं, भागने की भी कोशिश नहीं करते, वो आराम से पकड़ के आर बना लेते हैं। लेकिन सियार को बहुत शिकार को ढूंढने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत दूर दूर का चक्कर लगाना पड़ता है। तो कहते हैं ऐसे ही साधु संत महात्माओं का बस स्थान एक जगह होना चाहिए। अभी पहले जमानों में भिक्षा के लिए मना नहीं किया है महात्मा लोग, लेकिन भिक्षा कितना मांगना चाहिए, एक टाइम के लिए जितना जरूरी है, एक घर या दो घर जितना थोड़ा मिल गया बस लौट के आ जाओ, बना के खा के रात दिन मालिक की भजन बंदे करो। तो जिसका खाते हैं उस बेचारे का भी भला, कुछ इनका भजन सुमरण का फल जाए और बाकी तो इनके पल्ले में जमा हो गए। लेकिन आज तक आजकल का मांगना कुछ अलग ही है, कहते इनके अंदर आज तो अलग है, आज देखो मांगने वाले ब्याज पे देते। हमारे एक बस स्टैंड में अब मांगता था वो नीचे जात का ही है, लेकिन वो खाली बस में मांगता था, बस स्टैंड में जो बस खड़ी होती थी 10 मिनट, जो लोग आके बैठते थे उनके मुंह के सामने पैसा उछालते, कुछ न कुछ बड़बड़ करते ही खड़ा रहता, दिए बगैर छोड़ता ही नहीं था, 8 आने रुपया दे तो ही जाता था, नहीं तो ऐसा उछालते खड़ा रहता था। आज झंडा पहलवान अच्छा, तो ऐसा वो देखा गया, उसने करीब 6-7 लाख रुपए ब्याज में दिए, बाद में मालूम पड़ा, और होटल में खाता था सारा दिन मांगता था। तो एक बुड्ढी भी थी, बड़े घर की बुड्ढी, और घर में कुछ खटपट हुआ, उसने घर छोड़ दिया, वो भी कल्याणपुर बस स्टैंड में आ गए, वो भी ये मांगने का काम करने लगे। तो मांग के पैसा जमा करना और फिर ब्याज पे देना वो बुड्ढी। अभी हम हमारे पास एक केस आया तब हमें पता चला हमारे पास आने वाली माने आश्रम भंडारे में आने वाली औरत ने उसे ब्याज भी ले लिया था 6,000 रुपए। अब वो दिया नहीं पैसा, 2-3 साल हो गया, अब वो हमारे पास आई, जमीन उसको पकड़ के ले गई कि देखो इसको मैंने 6,000 रुपए ब्याज पे दिया था, 2 रुपए ब्याज पे, बेचारी बहुत ज्यादा तो नहीं 2 रुपए ब्याज और ये 6 साल हो गया ना ब्याज दिया ना पैसा दिया।
तो तब मालूम हुआ है कि देखो ये मांगने वाले लोग ब्याज बढ़ने का काम है। हमारे यहाँ साधु लोग आते थे ना बनारस काशी में, जब हम पढ़ते थे तो ये साधु लोग क्या करते, चार चार थैली उठा के इधर दो इधर दो लग गए, और एक में चावल, एक में आटा और एक में दाल, सब अलग अलग रखते हैं। और जब भोजन पूरा हो जाता है, एक दो गांव में पूरा भोजन हो जाता है, तो ले जाके बनिए दुकान बेच देते हैं। अब फिर पैसा जेब में रखते हैं, फिर दूसरे गांव में मांगने को जाते हैं। ऐसा कर करके के पहले बताओ ये कोई साधु का काम है? तो कहते हैं कि इस तरह का करके क्या करते हैं, करोड़ बढ़ते जाता है, क्योंकि मांगने को जाते हैं साधु के रूप में तो झूठ बोलना पड़ता है कि हमारे आश्रम में भंडारा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, तब तो देते हैं। और उत्तर भारत में दान धर्म ज्यादा है, लोग विश्वास करते देते हैं, और उसका परिणाम ऐसा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ऐसे करने से क्या फायदा हुआ। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि साधु को मांगना बुरा नहीं, लेकिन कितना एक टाइम पेट के लिए, एक खाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही, एक घर या तो दो घर मांग लिए। सूरदास जी ऐसे ही मांगते थे, एक घर या दो घर गए, जो एक टाइम के खाने का सामान मिल गया लौट आते थे, और मालिक का नाम स्मरण करते उसको बना के खाते थे, तो जिसका खाते थे उसका भी भला, और आपके पल्ले में भी कुछ वजन बंदगी का फल जमा होता था। तो इस तरह वो महात्मा बनते थे। नहीं तो आज का क्या, दूसरे के कर्म अपने सिर पे लेते जाते, जो मानते हैं सब करते ही होता है। नामालम कितने जन्मों में घोड़ा गद्दा बैल बन के चुकाना पड़ता है, भाई कर्जा तो कर्जा ही है, भले इसी जन्म में नहीं तो और दो चार छह दस जन्म में हो, लेकिन कर्जा तो चुकाना ही पड़ता है, कर्जा करते ही होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते नहीं भाई, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वजन बदे करो, ये संत मत का सलूक है। दास पलटू कहे और कुछ ना करे, दास पलटू कहे और कुछ ना करे, भक्ति के मूल संतोष लावे। तो वही दास पलटू जी कहते हैं, क्योंकि पलटू साहब ने भी 15 साल प्राणायाम साधन किया था, योगी थे, और बाद में गोविंद साहब ने सुरसत अभ्यास दिया और उसका साधन करके संत महात्मा बने हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई भक्ति का अंग संतोष, संतोष और विश्वास लेकर के भक्ति के रास्ते पे चले, जरूर सफलता मिलती है। कहते एक जगह बैठ के उस मालिक की याद में अपना समय बितावे तो आपका भी भला, दूसरे लोगों का भी भला होता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई भक्ति का मूल संतोष, संतोष रहना चाहिए साधु के अंदर, माने जो कुछ विधि विधान में लिखा है जरूर आता है, अपने आप आता है, मिलता है, और जो विधि विधान में नहीं वो मांगने से भी नहीं मिलता, माने वो मिले तो भी रहता नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि विश्वास, एक तो संतोष, दूसरा विश्वास, ये दो अंक लेके साधु को मालिक की याद से जुड़ा होना चाहिए। जी दास पलटू कहे और कुछ ना करे, दास पलटू कहे और कुछ ना करे, भक्ति के मूल संतोष लावे।